केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। मुखिया चुनाव जहां पर सभी लगे हुए हैं, सारे प्रत्याशी लगे हुए हैं ज्यादा से ज्यादा वोट बटोरने में, वहीं लोग भी इस जद्दोजहद में लगे हैं कि उन्हें एक अच्छा प्रत्याशी मिल सके। हमारी टीम भी जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस बार हवा किस ओर से बह रही है। हमारी टीम पहुंची है सनौली पंचायत, जहां की मुखिया प्रत्याशी मरगूब साहब से बातचीत हुई। कई मुद्दों पर बात हुई है, कई रणनीतियों पर चर्चा हुई है। क्या बात है, किस तरीके से वो विकास करना चाहते हैं, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मरगूब है। ये कौन सा पंचायत? सनौली पंचायत। कुल कितने वार्ड है यहाँ पर? 13 वार्ड है। यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं 13 वार्ड में? देखिए, यहाँ मेरे पंचायत का मूल समस्या पानी का था, जो मैं अभी वर्तमान सरपंच रहते हुए पानी की समस्या जो जिला लेवल पे पीएचडी विभाग से हमने रास्ता कायम करके पूरे पंचायत में हर वार्ड में नल जल योजना नीतीश कुमार का दिया था। मैं अपने कोशिश और पैरवी से हर वार्ड में बोरिंग करवाने का काम किया और घर घर पानी पहुंचाने का काम किया। स्वास्थ्य के निमित्त आपके द्वारा क्या काम किया? देखिए, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पंचायत में जो भी हॉस्पिटल वगैरह है, इनके लिए जो है सरकारी स्तर पे कोई भी ऐसा डॉक्टर सेवा नहीं दे रहा पंचायत में। यानी डॉक्टरों का अभाव है आपके पंचायत में? जी। आपके यहाँ और क्या ऐसा प्रमुख समस्या है जो कि अभी तक विकराल रूप से यहाँ पर कायम है? सबसे बड़ी समस्या है, इस बार मैं पंचायत चुनाव मुखिया पद के लिए लड़ रहा हूँ, जनता की सारी जनता की ख्वाहिश हुई कि आप 5 साल सरपंच से सरपंच रह के जो काम किया है मैं उससे संतुष्ट हूँ और पंचायत बैठी इस गांव में और सारे लोग जो है हमें कहा कि सरपंच से हट के आप मुखिया में चुनाव लड़िए ताकि लोगों का विकास हो, समाज का विकास हो। उन्नति के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे और कोशिश करेंगे, लोगों को जो है जहाँ तक हो सरकारी लाभ दिलवाने का कोशिश करेंगे। आपके पंचायत में खेल कूद की क्या समस्या है? मेरे पंचायत में अभी तक कोई एक भी ग्राउंड नहीं है। अगर मुखिया बन जाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि इसकी मांग को लेकर के सरकार के पास जाएं और इस पंचायत में कोई खेल का मैदान जगह तय करके और अच्छी तरह से जो है युवा सब में खेल का उत्साह बने, इसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूँगा। जनता आपको क्यों मतदान करती है? भावी मुख्य प्रत्याशी के रूप में, इस बार उम्मीदवार के रूप में है, जनता अगर आपको चयनित करती है तो किन किन समस्याओं को आप सबसे पहले देखेंगे इस पंचायत के लिए? देखिए, पंचायत में रोड नाला ये तो विकास कहता है, लेकिन मैन विकास है व्यक्तिगत विकास होना चाहिए गरीब का। व्यक्तिगत विकास में इंदिरा आवास जो लागू है, जो आज तक हमारे पंचायत में झोपड़ी मौजूद है, मिट्टी का घर मौजूद है, वो उनको इंदिरा आवास यानी प्रधानमंत्री आवास दिलाने का हर संभव प्रयास करेंगे। और जो गरीब जनता राशन कार्ड के लिए परेशान है, आज तक राशन कार्ड नहीं बन सका है, उस पर हम काम करेंगे ताकि उस गरीब को राशन मिल सके। सरकार का जो दिशा निर्देश के अनुसार जिस अनुसार गरीब को राशन कार्ड बिल्कुल नहीं है, समझ लीजिए कि 25% लोग ऐसे हैं जिनको गरीब लोगों को राशन कार्ड आज तक मौजूद नहीं मिला नहीं, वो आवास से वंचित हैं। प्रधानमंत्री आवास में ऐसा सुना जाता है कि एक एक मुखिया जी के द्वारा 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया लिया जाता है, तो क्या आप अपने पंचायत में भौतिक विकास करना चाहेंगे या आर्थिक विकास करना चाहेंगे अगर चुनाव जीतते हैं?
देखिए, मैं 5 साल सरपंच रहने के बाद कोई ऐसा मेरे ऊपर कोई क्लेम नहीं है कि हमने किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से 1 रुपये का आरोप नहीं लगा सकता कि हमने किसी से 1 रुपया पैसा लिया। और जब मेरे गांव में पंचायत बैठी, पंचायत बैठ के मुझे सेलेक्ट किया गया, उस समय यही 2 मुद्दा हमने रखा था समाज के सामने कि इंदिरा आवास जिस गरीब को मिलेगा उसमें 1 रुपया किसी दलाल और बिचौलिया को देना नहीं पड़ेगा। जितना सरकार पैसा देगी इंदिरा आवास में आपके अकाउंट में जाएगा, किसी को देना नहीं पड़ेगा अगर हम मुखिया बन गए। दूसरी बात रखे थे कि जो भी सरकारी लाभ गरीब को मिलता है बिना बिचौलिया और दलाल के नहीं मिलता, वो बिचौलिया और दलाल का कोई काम नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सेवा होगा जनता का, गरीब जनता का। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आप निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, किसी प्रकार का स्वार्थ आप में छिपा नहीं रहेगा। नहीं, किसी प्रकार का स्वार्थ अगर रहता तो आज हमें जनता नहीं चुनती। सरपंच पद होने के बाद फिर मुखिया के लिए लोगों ने हमको तैयार किया और पूरा जोश है लोगों में और उम्मीद है कि आने वाले दिन में पंचायत का विकास भी होगा और हमारा पंचायत जो है दलाल मुक्त होगा। यानी कि आप एक आदर्श पंचायत देखिए, आदर्श पंचायत। आप एक भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही करना चाहते हैं कि जनता हमें भारी मतों से विजय बनाए ताकि आप लोगों का सेवा बिल्कुल बिना भेदभाव के करें और बिना लोभ लालच के करें। और हर जनता से अपील करना चाहते हैं कि हमें भारी मतों से जिताने के बाद यह हमारी जनता हमसे उम्मीद रखे, कोई भी अगर काम के लिए अगर कोई दलाल बीच में आता है तो हमें आके कहें कि इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, तो मैं उस जगह जो है इंदिरा आवास में पैसा लेने का रोक लगाएंगे, या राशन कार्ड में पैसा लिया जाता है उस पर रोक लगाएंगे। कोई भी जनता के पास समस्या हो जीतने के बाद तो हमारे कानों तक खबर मिलेगी, उस समस्या का समाधान करेंगे चाहे किसी भी प्रकार का। यानी कि ये कहा जा सकता है कि आप जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे? जी बिल्कुल, जनता के विश्वास पर खरा उतरेंगे। और अगर चुनाव जीतने के बाद अगर ये भौतिक विकास की जगह अगर आर्थिक विकास होता है तो आगामी चुनाव में आपका क्या निर्णय होगा? देखिए, मेरा इरादा है, जनता के सामने अपील करते हैं, दिल से अपील करते हैं, एक भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो कि सामाजिक विकास को लेकर के नहीं होगा। हर काम मेरा बिल्कुल सामाजिक विकास के तहत है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि हम चुनाव जीत जाते हैं तो आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहेंगे और अगर उस पर खरा नहीं उतरते तो आगामी चुनाव में आप अपना कदम नहीं रखेंगे? आगामी चुनाव में कदम रखने का आप तो जरूरत क्या है, अगर हम सही काम नहीं करेंगे तो जनता हमें फिर सपोर्ट ही नहीं कर सकती। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।